कुछ दिनों में यहाँ पे बने हैं। हमने देखा नॉन लोकल्स पे, यहाँ पे पहले गगनगीर में हमला हुआ, उससे पहले शुपियन में हमला हुआ, और आज कल रात की बात है एक और नॉन लोकल पे हमला हुआ यहाँ पे। किस तरह से आप सिचुएशन को देखते हैं? कोई आपको लगता है कि जो लोग एडवोकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, क्या ऐसे माहौल में बातचीत होनी चाहिए, थोड़ा बहुत बताइए। नहीं, हम तो हमेशा इस बात के हकदार हैं, इस बात को कहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भाई पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, हम यही कहते हैं कि ये पड़ोसी मुल्क हमारा जब ये आतंकवाद को छोड़ देगा, अलगाववाद की एक्टिविटीज़ को छोड़ देगा, आतंकवाद की एक्टिविटीज़ को छोड़ देगा, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ को छोड़ देगा, वहाँ चल रहे उनके कैंप बंद हो जाएंगे, यहाँ से जो आतंकवादी वहाँ गए हैं, जो वहाँ आज बड़े बड़े आतंकवादियों के हेड्स बने हैं, उनको जब तक ये हमारे हवाले नहीं करेगा, वहाँ आतंकवाद खत्म नहीं करेगा, यहाँ आतंकवाद को इस प्रकार का सिस्टम नहीं चलाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है, हमको ये लगता है कि तब तक बात करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता है। हम लोग बराबर, और हमारी सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कह रही है कि आतंकवाद भी चलता रहेगा और बातचीत भी चलता रहेगा, ये नहीं हो सकता है। इसलिए जिस दिन इसको हम वो छोड़ देगा उस दिन बातचीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बातचीत से चीजें हल हो जाती है। ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है, भारत ऐसा माहौल बना रही है, भारत ने कभी भी ऐसा माहौल बनाने में कोई चूक नहीं की है, उनको भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए, और ऐसा माहौल बनाकर यहाँ के हालात वो ना बिगाड़े, ये चीज जब वो करेंगे तो जरूर बातचीत भी आगे बढ़ेगी, इसमें क्या बात है। तो आप कैसे देख, ये बड़ी निंदनीय है, और ये जो यहाँ की जो अमन चैन जम्मू कश्मीर में 30 वर्षों के बाद आया है, पिछले 5 सालों में 2019 के बाद यहाँ आतंकवाद अलगाववाद की घटनाएं कम हो गई, लोग खुलेआम बाजारों में निकल सकते हैं, लोग खुलेआम स्कूल जा रहे हैं, बच्चे हमारे बच्चे स्कूल जाकर रात तक भी पढ़ाई करने के लिए इंस्टीट्यूशंस में, ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं। ये माहौल जो बना है, इस माहौल को फिर से बिगाड़ने की जो कवायद हो रही है, हम इसको कंडेम करते हैं, और विशेषकर किसी भी ये जो माइनॉरिटीज़ पर हमला करना कश्मीर में, ये बहुत अच्छा नहीं है। इससे मैं कल देख रहा था कि महबूबा जी भी स्टेटमेंट दे रही थी कि इसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं, आखिरकार जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे बच्चे जो देश में हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है, पड़ सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और किसी को भी, मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति को मारना, इन्होंने पुलिस वालों को मारते हैं, पुलिस वाले तो उनका क्या कसूर है बेचारों का, उनको भी मार करते हैं, उनको भी मार देते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिदों के बाहर मार देते हैं, नमाज पढ़कर आते हैं तो फिर मार देते हैं, ये अनह्यूमन तरीका है इसको करना, ये किसी भी कोई इसको इजाजत नहीं देता, हम इसको गौर कंडम। कौल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगातार अपने कैंपेन्स में 370 की बात की, लेकिन आज की डेट में देखें तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात चल रही है, और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अब दिल्ली गए हैं, मरकज गए हैं, कल होम मिनिस्टर से भी मिले और आज शायद प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, किस तरह सिचुएशन को देखते हैं आप? नहीं, ये तो उनका मैनिफेस्टो में है कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे, अब हमारा भी मैनिफेस्टो था, पिछले 1952 से हम मैनिफेस्टो में रखे हुए थे कि हम धारा 370 को हटाएंगे, हमने धारा 370 हटा दिया है, अब उनका अपना काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार आएगी वो धारा 370 को हटाएगी, धारा 370 अब हटने वाले नहीं है, ये सोचना मैं लगता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और विशेषकर कश्मीर को लोगों को छोड़ना चाहिए कि धारा 370 नहीं हटेगी। स्टेटहुड की बात है, और स्टेटहुड के लिए हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एट अप्रोप्रिएट टाइम हम स्टेटहुड यहां बहाल करेंगे, अब अप्रोप्रिएट टाइम तक का कोई मापदंड होगा, कोई मीटर होगा, उस मीटर के आधार पर जब वह अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, आतंकवाद यहाँ समाप्त हो जाएंगे, आतंकवाद की गतिविधियाँ यहाँ समाप्त हो जाएंगी, तो ज़रूर स्टेटहुड हमको मिलेगा।
उमर साहब के विजिट को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, अच्छा है। उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर, जो उसने मैनिफेस्टो में बताया था उसके आधार पर, उन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में, अब कुछ नेताओं ने ये कहा कि भाई कैबिनेट में पास करने का क्या मतलब है, ये तो असेंबली में पास करना चाहिए, ये उनकी हेडेक है। लेकिन उन्होंने इसको कैबिनेट में पास करके गवर्नर से भी उसकी मंजूरी लेकर वो गए हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से के पास इसको लेकर। हम अच्छा मानते हैं कि भाई होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास गए हैं, उनका काम है, उनको जाना चाहिए, अपनी बात उन्होंने कहनी चाहिए। और हमारी सरकार जो है होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सब, वो भी इस पर गौर करेंगे और जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा उस समय इसको बाहर।